बोलचाल की भाषा में आमतौर पर यह कहा जाता है कि ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अहमद पटेल की राज्यसभा में जीत ने कम से कम कांग्रेस को यह ढाढ़स बता दिया है कि सब कुछ डूबा नहीं है। यह बात अलग है कि आज कांग्रेस पार्टी में आस्था रखने वालों की संख्या नगण्य है। यह बात अलग है कि आज राहुल गांधी को लेकर न सिर्फ मजाक और चुटकुले बनते हैं बल्कि खुद उनके पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उन्हें काबिल नेता नहीं मानते। ये बात अलग है कि आज गांधी परिवार के नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को विश्वास नहीं है। ये बात अलग है कि आज मुकाबले के तौर पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं नहीं खड़ी। इसके बावजूद अहमद पटेल अगर अपने विधायकों के समर्थन से राज्यसभा सदस्यता हासिल कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि एक पार्टी का चाणक्य अपनी ही कुर्सी बचाने में कामयाब रहा क्योंकि दूसरा चाणक्य उसे मात नहीं दे पाया। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसके बाद कांग्रेस अपनी वापसी का रास्ता तलाश सकती है और शायद गांधी परिवार को इस बात की चिंतन करने का मौका मिले कि आखिरकार पार्टी में कहाँ सब चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में शायद इस तरह के चिंतन का अवसर 2014 से लेकर अब तक के बीच कई बार आ चुका है, लेकिन ऐसे अवसरों को गंवाना कांग्रेस के लिए एक महारत भरा काम है क्योंकि कांग्रेस इसे बड़ी सफलतापूर्वक करती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि अहमद पटेल की जीत डूबते को तिनके का सहारा के बराबर है। अब जरा इस सहारे से कांग्रेस पार्टी कितनी दूर आगे बढ़ पाती है यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि कम से कम लाज बच गई।